बीजेपी कांग्रेस के बाद जेडीएस ने भी हैरानी जताई है। पार्टी लीडर दानिश अली का कहना है कि जब इलेक्शन कमीशन को 6 महीने के लिए एमपी मुंतखब करना ही था तो पिछले 6 महीने से किसके इशारे का इंतजार हो रहा था। इस मौके पर कांग्रेस और जेडीएस इत्तेहाद को जारी रखने की बात करते हुए सभी सीटें जीतने का भी दावा किया गया। वाज़ेह रहे कि रियासत की 3 पार्लियामानी और 2 असेंबली सीटों पर जमीनी इंतखाब की तारीखों का ऐलान हुआ है। बता दें कि रियासत के शिवमोगा, बिल्लारी और मांडिया लोकसभा सीटें खाली हुई हैं और इसके अलावा रामनगर और जामखांडी असेंबली सीट पर इंतखाब की तारीखों का ऐलान किया गया है। वाकई अजीब सा मामला है कि जब मई के महीने में सीट खाली हो गई थी 3 और चुनाव आयोग को इलेक्शन कंडक्ट ही कराना था तो 6 महीने इंतजार क्यों किया? इसका कोई तर्क नहीं है हमारे पास। जब मई में सीट खाली हो गई थी तो अगले महीने चुनाव करा देना चाहिए था, काहे का इंतजार था? और अभी भी चुनाव, विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, ये चुनाव उनसे अलग हो रहा है। उनके रिजल्ट आने से पहले 1 महीने पहले रिजल्ट आ जाएगा, तो किस चीज का इंतजार किया? कम से कम दूसरे जो चुन के आते हैं उनको 1 साल का तो वक्त मिलता। तो ये तो एक तरीके से मतलब वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। मतलब इस पर कुछ ना कुछ मतलब एक नया तरीका अपनाना चाहिए कि आगे ऐसी चीज़ें ना हो। बहरहाल जहाँ तक चुनाव आयोग ने चुनाव डिक्लेयर कर दिया है तो जाहिर सी बात है हम लोग लड़ेंगे। जेडीएस और कांग्रेस कर्नाटक में मिल करके ये उपचुनाव लड़ेगी और हम लोग जीतेंगे। But in another few months, there will also be more time to contact with the EC. Because the Moksha Bhai election is also due. See, we have been looking at Andhra Pradesh, even MPs of Andhra Pradesh have resigned. 3 MLA MPs of Karnataka have resigned. I don't know what the different law has been in both these states, both of neighboring states.